Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. So आज का vlog होने वाला है Church Street का. So मुझे ना एक I have got a collaboration in Church Street जो जाके मुझे आज शूट करनी है. प्रीवियस हफ्ते में आई थी बट क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एंड यू नो आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई एग्ज़ाम्स एज वेल, इसलिए मैं नहीं जा पाया. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं संडे को आके बना लूँगा, विच दे अग्रीड फॉर, क्योंकि सम ब्रांड्स आर रियली काइंड इनफ टू यू नो एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट. तो ऐसा हुआ, अभी मैं, मम्मी और बहन हम तीनों जा रहे हैं क्योंकि उनको भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है एंड आई हैव टू शूट माई रील. हम कुछ खा पी भी लेंगे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना लेंगे. ब्रांड की वीडियो बन जाएगी, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बन जाएगी और यूट्यूब का तो ब्लॉग बन ही रहा है. सो दिस इज़ वॉट वी आर गोना डू टूडे. मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ. वाह, हवा आ गई, अच्छा हुआ. और मौसम अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है. सो आर प्लान वॉज टू गो इन द अर्ली मॉर्निंग अराउंड 10 or 11, बट आपको पता ही है कि फैमिली के साथ जाते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता. अभी फ़िलहाल 3 o'clock हो रहे हैं, हम 3:30 बजे तक निकलेंगे. आई होप वहाँ पे 4:30 बजे तक पहुँचेंगे. वीडियो वगैरह बनाएंगे तो 7-8 तो बज ही जाएंगे. दिस इज़ वॉट इज़ गोना बी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस. 3:30 बज गए और अभी तक मेरे घर वाले रेडी नहीं हुए. लिटरली मेरी बहन को तो अभी नहाना बाकी है, मम्मी अपनी हेयर ड्राई कर रही हैं और जब तक हम पहुँचेंगे ना रात हो जाएगी. तो रात में है ना आउटडोर शूट नहीं हो पाता. ये बात इन लोगों को समझ भी नहीं आती है. अब इसका मैं क्या ही करूँगा गाइस. ठीक, मैं कब से रेडी होके बैठा हूँ, अब तक तो मैं जाग के भी आ जाता. सो आई ट्राई टू व्लॉग इन पब्लिक टुडे बिकॉज देखो मुझे तो शर्म नहीं आती. जस्ट दैट आई वॉन्ट टू शो यू पब्लिक रिएक्शन कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी अ व्लॉगर देन यू शुड नो ऑल दोज थिंग्स कि एम्बेरसमेंट बहुत होती है. मतलब आपको शर्म वगैरह साइड में रख के हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल करना पड़ेगा, तभी जाके आपके व्यूज़ आएंगे. तब तक के लिए कोई व्यूज़ नहीं आएंगे और हम मिडिल क्लास वहाँ पर चादरें सूख रही हैं. हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं. मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, इतना लड़ झगड़ के लोग आए हैं और ऊपर से हम लोग 4 बजे निकले हैं तो 5 बजे पहुंचेंगे. प्रॉपर टाइमिंग है सनसेट होने का, मतलब सन में तो शूट होने नहीं वाला है. मेरी तो किस्मत ही ख़राब है. नेक्स्ट टाइम तो मैं अकेले जाऊँगा, किसी के साथ नहीं जाने वाला हूँ. नेवर माइंड, मेट्रो भी निकल गई है आज, किस्मत ही ख़राब है. हैव टू वेट 10 more minutes फॉर द नेक्स्ट मेट्रो, बट चलता है. एक्चुअली ट्रैवलिंग इन मेट्रो आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है. मतलब इट्स अनबिलीवेबल. लगता नहीं है कि एक मेट्रो में हम सारे लोग घुस जाएंगे क्या. एंड नाउ इट्स टाइम टू चेंज द मेट्रो क्योंकि MG Road जाने के लिए मेरे घर से आपको 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है. एंड इफ़ यू आर लकी इनफ कि अगर आपको डायरेक्टली मेट्रो मिल जाती है, बट नॉट इन माई केस, सो प्रॉबली विल चेंज द मेट्रो. और मैं आपको पहुँच के मिलता हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्लॉगिंग करने का भी खतरा है, कहीं कोई मेरा फ़ोन ना छीन के ले जाए. यस, फाइनली हम लोग MG Road तक तो पहुंच गए हैं. पूरा 1 घंटा लगा है. एंड इट भाई साहब, यहाँ पे सोचा था ना उससे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू एक्चुअली कम टू दिस चर्च. सबसे ज़्यादा भीड़ आज इसी के इसी दिन होती है. मैं अपनी जगह पे तो आ चुका हूँ एंड लकीली ये वाली जगह इतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है. इट्स लाइक प्रीटी मच मिनिसो जैसी है. एंड बाय द वे इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम में जाके चेक कर लेना क्योंकि अभी तक मेरा यूट्यूब मोनिटाइज नहीं हुआ. एंड अंटिल दैट गेट मोनिटाइज आई कैन नॉट स्पॉन्सर एनीथिंग. यस गाइस, आप चीज़ें देख लो. इट्स लाइक अ गिफ्टिंग शॉप विच इज़ प्रीटी मच गुड. यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड विजिट. चर्च स्ट्रीट में नहीं नहीं है. लोकेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. यस गाइस, रोड पे आते वक्त ज़्यादा वगैरह व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी. और अब इस दुकान में आ गई, यहाँ पे भीड़ कम है इसलिए मैं व्लॉगिंग बना रहा हूँ. बट आप लोगों को बाहर व्लॉगिंग बनानी चाहिए इसलिए ज़्यादा ऑडियंस कैच होगी. 3 hours later. हे गाइस, तो मैंने सामान मतलब शूट वगैरह कंप्लीट कर लिया एंड मेरे को गिफ्ट भी मिल गए. दिस इज़ द प्रो पार्ट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर. एंड अभी हम थोड़ा सा घूमेंगे. माइक तो पहना हुआ है, मैंने निकाला नहीं बिकॉज आई थॉट क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग करनी पड़ेगी सो आवाज़ क्लियर आ जाएगी. द
दैट वॉज द रीज़न आई जस्ट डिडंट रिमूव माई माइक. और अभी हमें थोड़ा सा शूट और करना है, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर हम घर जाएंगे. लाइक एमजी रोड की या फिर चर्च स्ट्रीट की जो भी वाइब है ना, वो एक्चुअली रात को ही स्टार्ट होती है. एंड अभी तक की पीछे वाली लाइट ऑन नहीं हुई है, पता नहीं क्यों, लेट्स सी कब होंगी. एंड लाइट ऑन होते ही ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा. नाउ यहाँ पे थार भी खड़ी है लिट, बट मुझे चलानी नहीं आती. शॉपिंग करने का मज़ा ही अलग है गाइस. एंड जो लोग मुझे घूम घूम के देख रहे हैं जस्ट बिकॉज आई एम व्लॉगिंग. गाइस यही है वो चर्च स्ट्रीट जिसके बारे में आपने लोगों से सुना होगा. लगता है इसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है. तो फ़ोन के अलावा एक और नया डर अनलॉक हो गया, दैट इज़ कहीं मेरा ये माइक ना पट जाए, क्योंकि इसे ना आप अटका नहीं सकते. यू कैन जस्ट मैग्नेट से चिपक जाता है, बट दैट्स अगेन हैसल गाइस. मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूस लेने आया हूँ क्योंकि भाई गला सूख रहा है एंड बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूजिक चल रहा है एंड ऊपर से कॉपीराइट भी आएगा. मैंने कोल्ड कॉफ़ी लिया एज़ यूजुअल और मम्मी और दीदी ने फ्रूट जूस लिया बिकॉज इन लोगों को हेल्दी चाहिए और मुझे भैया कॉफ़ी चाहिए थी क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था, नींद से आ रही थी. यो गाइस हमारा काम हो गया, अब चलिए घर चलते हैं. बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइक एक दो फ़ोटो खिंचाने के लिए हमें 10 मिनट लग गए क्योंकि लोग बीच में आए जा रहे हैं. मुझे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आओ मुझे क्या. फिर ये मत बोलना कि यू आर इन्वेडिंग माई प्राइवेसी. ये है मेट्रो स्टेशन, नाउ लेट्स गो. मम्मी के एक दो फ़ोटो खींच देते हैं. बाय द वे आप जो सुनते हो ना बैंगलोरियन से कि यू नो चर्च स्ट्रीट इज़ रियली गुड, इट्स एक्चुअली ओवर हाइप. इतनी कुछ खास नहीं है. कोरमंगला इज़ बेटर क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा है घूमने के लिए. चर्च स्ट्रीट इज़ वेरी मच कंजेस्टेड. मैं तो लिटरली 2 साल यहीं पे आके पढ़ा हूँ, इन माई SJPUC बाजू में ही थी. तो इधर आके मैं इतना ज़्यादा पक गया हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता. हम देख लो भैयो, ये है चर्च स्ट्रीट. अब घर जाने में 1 घंटा लगेगा. शॉपिंग डन, शूटिंग डन, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम. पता नहीं कितना बड़ा व्लॉग बना होगा, आई होप कि 10 मिनट निकल जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चर्च स्ट्रीट का व्लॉग दिख जाए. एंड दिस वाज द डोमिनोज जहाँ पे मैं बहुत आता था. लाइक दिस वाज आ गो टू प्लेस हमारा खाना खाने के लिए, डोमिनोज. इन लोगों को मुझे ना स्पॉन्सर करना चाहिए, द अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा जो मैंने ठूसे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. और मेट्रो स्टेशन यहाँ पर भी शॉपिंग करने का ऑप्शन हो गया है. एंड आप QR स्कैन से वो भी ले सकते हो, टिकट्स भी ले सकते हो. मैं तो स्टिल सजेस्ट करूँगा कि आप PTM से ले लो, दैट इज़ मोर बेटर. गाइज वी आर डन विद द शॉपिंग. आप पीछे देख सकते हो मेट्रो स्टेशन है, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं. नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है 5 मिनट में. एंड काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया. एंड होपफुली 1 घंटे में घर पहुँच जाएंगे. आप बताना कि आपको चर्च स्ट्रीट कैसा लगा. बाय. इज़ ऑल्सो दिल्ली मेट्रो स्टेशन वगैरह में ना प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली बैंगलोर मेट्रो में अलाउड नहीं है. अगर मैंने वीडियो उनके सामने बना ली, लाइक लिटरली जब मैं यहाँ पे फ़ोन रख के बना रहा था तो द गार्ड वॉज लुकिंग एट मी, तो यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है. सो बी केयरफुल. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind, my friends keep me out and it hurts. हमारी नेक्स्ट ट्रेन 2 मिनट में, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा वरना इस भीड़ में और वक्त गुजारना पड़ेगा. That's cool. I disappear, no matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. पहुंच गए हैं गाइस, और अभी घर जाके आपसे मिलता हूँ क्योंकि सच में एनर्जी नहीं बची है, ना ही बोलने की ना ही चलने की. बस घर जाके एडिटिंग भी करनी है, जो मैंने आज वीडियो बनाई ना उसको मुझे आज एडिट भी करना पड़ेगा. Sitting
यार एक तो पता नहीं इस QR टिकट का क्या पंगा है, वहाँ पे भी नहीं चल रही थी, यहाँ पे भी नहीं चल रही है, बार बार में बोल रहे कि कस्टमर केयर के पास जाओ। मतलब भाई इनका सही है, बोल रहे 30 रुपीज़ पे करो। मैंने बोला ऐसे कैसे, मैंने दो पैसेंजर की टिकट लिया, जब एक एग्जिट कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं करेगा। थोड़ा ज़ोर से बोला आपका सारा काम होगा, अगर आप प्यार से बोलोगे ना तो नहीं देंगे। अब ये कॉइन दिया एंड फॉर दिस आई हैव टू एंटर एग्जिट, सॉरी। Lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a Hey guys, हम लोग घर पहुँच चुके हैं। टाइम मत पूछना क्योंकि मुझे सच में मालूम नहीं है, एंड ऑल्सो अब मैं ऊपर जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँ। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और अभी 7 बज गए, 8 बजे मेरे को वीडियो अपलोड करनी है और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या गिफ्ट मिला है। मतलब आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये जो जो प्रमोशन करते हैं उनको मिलता है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल, सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड है। मैं तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि भाई अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आपको भी ऐसे करके सामान मिलेगा। सो गाइस ये है टिफिन का डब्बा जो मैंने लिया है, एक्चुअली मम्मी ने लिया है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बट शी वॉज़ लाइक ये लेंगे। और ये अंदर से ऐसे स्टील का है और मुझे पसंद आई थी ये वाली वाटर बॉटल तो मैंने ये लिया कॉलेज लेके जाने के लिए। एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा। दैट से दो ही गिफ्ट मिली क्योंकि आई थिंक आई कुड हैव रिडीम लाइक 1000 बग्स और 1000 रुपये में सिर्फ दो ही चीज़ें आती।